स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर आज कवर्धा में तिरंगा रैली निकली हुई है। देख सकते हैं कि देशभक्तों का हुजूम मेरे पीछे है, जहां पर बाइक रैली है, तमाम देशभक्त मेरे पीछे खड़े हैं और हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं किस बटालियन से कब रिटायर हुए हैं? मैं पूर्व सैनिक कृष्णकांत सिंह ठाकुर कवर्धा से, मैं सिग्नल रेजिमेंट में 18 वर्ष सर्विस करके वापस आया हूं यहां पे और देश के विभिन्न जगह में जम्मू कश्मीर से लेके अपना कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार, कालापानी तक भी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज घर घर तिरंगा यात्रा के तत्वावधान में लोगों को जागरूक करने के लिए, देशभक्ति की भावना का विकास करने के लिए हमें यह मौका मिला हुआ है और इसमें सबकी सहभागिता जोर शोर से होनी चाहिए। इसमें हमारे कवर्धा भूतपूर्व सैनिक संगठन का हर संभव और एक अच्छा प्रयास है जिसमें लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। ये मेडल्स आप पहने हुए हैं, इस मेडल के लिए तो जो सैनिक होते हैं वो जान भी दे देते हैं, जान बाजी पर लगा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं, कौन से रेजिमेंट में? मैं अब्दुल सईद खान कवर्धा आनंद विहार का रहने वाला हूं और पिछले 1999 कारगिल युद्ध के समय मैं भर्ती हुआ था और मेरे को ओप विजय, ओप पराक्रम, ऐसे जो है युद्ध के एक्सरसाइज वगैरह में जो है पार्ट लेने का मौका मिला और मैं जो है 17 साल 6 महीना नौकरी किया हूँ भारतीय सेना वायु रक्षा रेजिमेंट, एयर डिफेंस जो बोला जाता है। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मेरे को देश सेवा करने का ऐसा मौका प्राप्त हुआ अपने जीवन में। और मैं अभी ये जो बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की जा रही है तिरंगा यात्रा, ये इसमें हम लोगों को विशेष रूप से जो है आमंत्रित किया गया है और ये तो जो है खुशी की बात है कि इनमें तो हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। एक आपने जब अपना नाम बताया तो एक बात मेरे जेहन में आई, हमेशा सवाल उठाए जाते हैं एक विशेष कौम के ऊपर में, लेकिन आप भी वर्दी पहनते हैं, उसी कौम से आते हैं, किसे पूजा करते हो जरूरी नहीं, लेकिन भारत माता की पूजा जरूरी है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये जो है हम बचपन से एनसीसी में, एनसीसी का कैंडिडेट रहा हूं मैं और मेरे लिए और गर्व की बात है, मेरे जो है परिवार से दो सगे भाई भारतीय सेना में जो है कार्यरत थे, अभी वर्तमान में मेरा भाई जो है रिटायर होके दुर्ग छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में बैंक मैनेजर है, तो ये हमारे लिए फख्र की बात। आपके घर से दो लोग सेना में थे? जी बिल्कुल, हमारा भाई, दोनों सगे भाई हम लोग देश सेवा करके जो आए हैं, मेरे से वो बड़े भाई है, वो जो है 2010 में रिटायर हुए थे, मैं 2017 में रिटायर हुआ हूँ। और भाई है, आप अपने बारे में बताएं। मैं धनेश्वर सिंह राजपूत, 2013 भर्ती हुआ था, 17 साल सर्विस देकर रिटायरमेंट हुआ हूँ और बहुत ही उत्साह के साथ मैं सर्विस किया हूँ और यहाँ पर ऐसा मौका, ऐसा आयोजन हो रहा है, बहुत ही गर्व की बात और भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत ही एक फख्र महसूस होता है, ऐसे आयोजन बहुत ही अच्छी बात और अच्छी पहल है और मैं भारत माता के जय के साथ अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की तो देख सकते हैं, एक और भाई साहब है, आप बताएं। पूर्व सैनिक दिनेश साहू, 305 फील्ड रेजिमेंट से रिटायरमेंट हुआ हूँ, मेरा यूनिट आर्टिलरी है, वो आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना जो 99 की लड़ाई में, कारगिल लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसकी सेनाओं को निस्त नबूद कर करके अपने एरिया को, अपने एरिया में विजय हासिल किया। उसके बाद मुझे 2008 से 2010 में आरआर में सेवा प्रदान करने की मौका मिला है। आरआर वो बटालियन है जिसको ऑपरेशन करने की के लिए विशेष रूप से चयन किया गया है। बस वो एक और भाई साहब है, आप अपने बारे में। मैं धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, एवी से मैं 18 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। हम लोग एवी के जवान थे जो लड़ते भी थे और काम भी करते थे, ग्राउंड से लेके बॉर्डर तक के हम मशीन को वो दुरुस्त रखते थे जिसमें दुश्मन कांपते थे हमारे मशीन के रिपेयरिंग देखकर। ये बस इतना ही बस कहना चाहूंगा। देख सकते हैं कि ये तमाम जो सेना के जवान है और रिटायर हो चुके हैं, उसके अलावा ये हुजूम देख सकते हैं, सभी के हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लेकर हमारा ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है उस पर्व को लेकर तमाम युवा और लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये मोटरसाइकिल रैली है जो नगर के विभिन्न वार्डों में घूमेगी, अनेक अनेक जगहों पर जाएगी और देशभक्ति का संदेश देगी। वहीं कुछ पुलिस के जवान भी हैं जो इस रैली पर शामिल हो रहे हैं, देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये पुलिस के जवान हैं, वो भी लगातार इस रैली पर शामिल हो रहे हैं, तिरंगा हाथों में लेकर अपने आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा हुजूम है, एक लंबी चौड़ा हुजूम है, हजारों लोग हैं जो बाइक पर उधर आए हैं स्वतंत्रता दिवस के पर्व को बेहतर से बेहतर मनाने के लिए उतरे हुए और सबके मन में देशभक्ति का जज्बा है। देख सकते हैं कि तमाम पुलिस
पुलिस के जवान, क्या अधिकारी, क्या नेता, क्या आम लोग, तमाम लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर देशभक्ति का संदेश देने के लिए कवर्धा की इन सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी भी बाइक पर बैठे हुए हैं, विशेष है आज सांसद जी? बिल्कुल, आज विशेष है और सब अपने तिरंगे ध्वज को लेकर के, जिसे क्रांतिकारियों ने, जिसे हुतात्माओं ने, जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लेकर इस देश को स्वतंत्र कराया, आज हम उस ध्वज को लेकर के और जन जागरण करते हुए ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और आने वाली पीढ़ी भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीयता का जागरण हो, इसी जागरण के लिए 15 अगस्त से पहले ये तिरंगा यात्रा निकली। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और सभी सामान्य लोग भी इस रैली पर शामिल होने के लिए निकले हैं, पुलिस के जवान भी हैं, तमाम लोग हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से मिलान शर्मा।